नमस्कार मित्रों, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। आपको सब परिवार जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। इस बार जन्माष्टमी के मुहूर्त को लेकर बहुत सारी संशय है लोगों के मन में, तो उस विषय में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी तिथि का आरंभ 2019 में 23 अगस्त को 8:09 और जन्माष्टमी तिथि का समाप्ति 24 अगस्त को 8:32 पर और जन्माष्टमी पूजन का मुहूर्त 23 अगस्त को निश्चित काल रात 12:02 में से शुरू होगा और 12:46 तक चलेगा। इसी समय रात में भगवान के बाल रूप की पूजा, झूला झुलाना, चंद्रमा को अर्घ देना और जागरण करना सब प्रकार के शास्त्र सम्मत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निश्चित पूजा का समय, पारण, सूर्योदय, रोहिणी, समाप्ति और अष्टमी तिथि प्रारंभ और अष्टमी तिथि समाप्ति। तो ये मुहूर्त के बारे में मैंने आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 23 और 24 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल भगवान श्री कृष्ण का हम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं और इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्षाष्टमी को जन्माष्टमी पड़ती है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा इतिहास जानें। द्वापर युग में मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। कृष्ण का जन्म रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती, गोकुल अष्टमी और जन्माष्टमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहा जाता है कि मथुरा में कंस नाम का राजा था, उसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था, परंतु देवकी का विवाह वासुदेव के नाम के राजकुमार से हुआ। देवकी के विवाह के कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का काल बने। यह सुनकर कंस गुस्से में लाल हो गया और अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वासुदेव ने वादा किया कि वो अपने सारे पुत्रों को, 8 संतानों को उसे दे देंगे, वो देवकी को ना मारे। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने सारों संतानों को बारी बारी से मार दिया और जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण के रूप में जन्म दिया तो उन्होंने कंस के प्रकोप से बचाने के लिए अपने दोस्त नंद के यहाँ उनको भिजवा दिया और कृष्ण जन्म के समय उस रात कारागार में सभी लोग निद्रासन में चले गए। जब कंस 8वीं संतान के बारे में सुनकर देवकी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो एक कन्या थी। जैसे ही उसको जमीन पर पटकने लगा वैसे ही कन्या माया रूप में आके आसमान में चली गई और उसने कहा कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तेरा काल तो वृंदावन पहुंच चुका है, वही तेरा जल्द ही अंत करेगा। फिर कंस ने कई राक्षसों से बहुत कुछ कोशिश करके कृष्ण को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुआ। अंत में कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत कर दिया। दोस्तों, आइए अब हम आपको बता दें कि 30 दिन हमको व्रत रखना होगा। आप किसी भी प्रकार की उलझन आपके मन में ना रहे, तो इस बार दुविधा है कि 23 अगस्त को व्रत रखा जाए या 24 अगस्त को व्रत रखना उत्तम होगा।
इसकी बड़ी वजह यह है कि अष्टमी की तिथि का आरंभ 23 तारीख को सुबह 8:09 पर हो रहा है, जबकि रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 24 तारीख की सुबह 3:48 पर हो रहा है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी व्रत का करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पुराण में कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र और चंद्र के वृष राशि में संचार के दौरान आधी रात में हुआ था, लेकिन ऐसा संयोग इस बार नहीं बन रहा। इसलिए अनेक शास्त्रकारों ने इस तरह की स्थिति में व्रत को लेकर कहा है कि जिस दिन आधी रात अष्टमी तिथि होती है उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। यानी जिस रात में अष्टमी निश्चित व्यापनी हो उस दिन अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। उसी परंपरा के अनुसार गृहस्थ लोग सदियों से उस दिन व्रत करते आ रहे हैं, और जिस दिन दिन में सप्तमी और राष्ट्र में अष्टमी तिथि होती है। यह दुर्लभ संयोग होता है जब मध्यरात में अष्टमी तिथि के दौरान रोहिणी नक्षत्र भी मौजूद है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी में कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो शुभ फलदायी है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात में चंद्रमा वृष राशि में उपस्थित था, इस वर्ष भी चंद्रमा उसी तरह स्थित होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय। इस दिन मध्यरात में लग्न रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हो रहा है। इस स्थिति में गृहस्थियों के लिए 23 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 23 तारीख को गृहस्थ लोगों को व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। तो इसलिए हमको जो गृहस्थ लोग हैं वो 23 तारीख को व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पूजा सामग्री और उसका विधि बता दूं। भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक खीरा, एक चौकी पीला कपड़ा साफ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, उनका सिंहासन, गंगा जल, दही, सहार, दूध, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, पंचामृत, चंदन, अक्षत, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री, भोग सामग्री और उनके श्रृंगार के लिए इत्र, काना को नए पीले वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, गले के लिए वैजयंती माला, सिर के लिए मुकुट, हाथों के लिए कंगन रखें। बाल गोपाल का जन्म रात को 12 के बाद होगा। सबसे पहले आप दूध के साथ दही, फिर घी, फिर शहद से स्नान कराने के बाद गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, और स्नान कराने के बाद पूरे भक्ति भाव से एक शिशु की तरह भगवान को लंगोटी अवश्य पहनाए। जिन चीज़ों से बाल गोपाल का स्नान हुआ उससे पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, और उसके बाद उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनके लिए मंगल गीत गाने चाहिए, और कृष्ण जी को आसन पर बिठाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए, गले में वैजयंती माला डालना चाहिए, उनके सिर पर मोर पंख, मुकुट, बांसुरी और चंदन अक्षत लगाएं, धूप दीप की पूजा करनी चाहिए, माखन मिश्री के साथ भोग की सामग्री अर्पण करें। ध्यान रहे कि तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, और गीत गाते हुए भी झूला जलाएं और इस तरह उनकी पूजा करना चाहिए। बहुत से लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से पहले अपने घरों में सुंदर झांकी सजाते हैं। ये उस समय का चित्र है जब वासुदेव जी कृष्ण जी को जेल से निकाल के देवकी यशोदा के पास रखने के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में भीषण पानी बरसात हो रही थी, और उस समय शेषनाग जी ने अपनी छत्र छाया श्री कृष्ण जी को दी। उनको माखन चोर भी कहा जाता है।
जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई। आप झांकी ऐसे एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप साड़ी से कैसे जा सकते हैं, अपने मंदिर को कैसे जा सकते हैं, पत्ते पेड़ पौधे फूल सब रख सकते हैं, सारी सामग्री आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आप दूसरी तरीके की झांकी बना सकते हैं जमीन पे, और टेबल पे आप झांकी कैसे लगा सकते हैं पेड़ पौधे के लिए। आप घर में भी अलग अलग तरीके की झांकी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप कलर पेपर गोल्डन पेपर पे फोटो वगैरह चिपका के भी अच्छी झांकी बना सकते हैं। साड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, झांकी में आप देख सकते हैं कितना सुंदर झांकी बनाया गया है श्री कृष्ण जी की। ये था जो हमने आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा विवरण दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा है, पसंद आया, कमेंट के द्वारा सूचित जरूर कीजिए। धन्यवाद।